और इतना प्रार्थना से ठीक हो रहा है, तो फिर एक दो का हम लोग हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसके बाद वो ठीक होके हमारे सामने में बता देना, उसके बाद हम लोग परमिशन दे देंगे, नहीं आने देंगे छत्तीसगढ़ में। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो आऊंगा भाई, नहीं अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो नहीं आऊंगा, तेरा बाप भी मुझे कहना है कि हम हमारे विरोधियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके सुख चैन के लिए प्रार्थना करते हैं, पर बजरंग दल हमेशा हमारे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है। हाँ शांति प्रिय है ना, दीमक जो होता है ना, मैं इनको दीमक नाम दी हूँ, हमेशा देखिएगा। तो परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये तुम्हारे जैसे चौंचरों से मैं डरता नहीं, और पवित्र आत्मा महान परमेश्वर है, उसने कहा जिसके जिधर तू हाथ कर देगा, मुझे एक आशीर्वाद दिया था, जिधर तू हाथ कर देगा वहां दो होने वाला है। उस पर किस तरह का रोकथाम आप लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने प्रशासन से मांग किया है कि उन्हें अनुमति ना दिया जाए इस कार्यक्रम के लिए, सबसे पहला मांग वही है, क्योंकि अगर उनको यहाँ पर परमिशन दे दिया जाएगा तो धर्म परिवर्तन जो चंगाई सभा के नाम से इन लोग करते हैं, धर्म परिवर्तन है सभी लोग जानते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और हम लोग छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मुक्त का हम लोगों ने आह्वान किया है सभी ने, तो उसी का हम मांग लेके बैठे हुए हैं कि उनको कार्यक्रम का परमिशन ना दिया जाए। कारण क्या लगता है, मेन तथ्य जो निकल कर आता है कि चंगाई सभा नहीं होने देना चाहते, क्यों उस पर बात करें? क्योंकि हमारे हिंदू बहनों को और भाइयों को और बेटियों को ये बरगला करके झूठा ख्वाब जो बोलते हैं ना, सपना दिखाते हैं, झूठा ख्वाब दिखाते हैं, वो करके इनको अपने धर्म में लाते हैं, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि कोई जबरदस्ती नहीं किया जाता है, वो अपनी मर्जी से आते हैं। जबरदस्ती नहीं किया जाता है तो फिर बाद में उन लोग रोते हैं, फिर हिंदू में फिर से घर वापसी क्यों करते हैं? मैं उन लोग से पूछना चाहूंगी जो इन लोग हर ताबूत मरने के बाद ताबूत के लिए पैसा लेते हैं, सब चीज़ उनसे फिर बाद में जब उन लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं उसके बाद ये सब चीज़ करते हैं, तो आप लोग जबरदस्ती ही तो करते हैं, तभी तो उन लोग घर वापसी के लिए हमसे संपर्क करते हैं। तो ऐसा कितना केस हुआ है जो घर वापसी के लिए आप लोग से संपर्क? हजारों की संख्या में है, हम लोग घर वापसी करवाते हैं, प्रबल प्रताप भाई भी करवाते हैं, रतन भाई, हम लोग भी सभी जगह हम लोग घर वापसी का कार्यक्रम करवाते ही रहते हैं। आपके नाम का खौफ जो है मिशनरियों के ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यों आपके नाम का खौफ है? अब वो ही बता सकते हैं कि मेरे नाम का खौफ क्यों है, मैं तो ऐसा बस नारा जो हमने बनाया हुआ है रोको टोको और ठोको का है, तो रोकना और टोकना तो मैं करती नहीं हूँ, अगर वो गलत है तो ठोकने का काम करती हूँ, तो हो सकता है इसलिए उनमें खौफ हो कि ये जहाँ भी देखो मारना शुरू करती तो गलत करेंगे तो मार खाएंगे ना। अब ये चंगाई सभा होने जा रहा है 24 तारीख को, 2 दिन का है, तो उसमें क्या ऐसा कारण लग रहा है कि अनुमति नहीं मिलना चाहिए? उनका कहना है कि हमारे प्रार्थना करने से उन लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं, तो आप स्वास्थ्य के बीच में आप आ रही हैं, ऐसा ही कहना है? प्रार्थना करने से अगर स्वस्थ हो रहे हैं तो फिर जितने मेडिकल है, हमारा एम्स है, जितने करोड़ों अरबों रुपए जो सरकार खर्च करती है वो सबको बंद कर देते हैं, इनके प्रार्थना से ही जब सब ठीक हो रहे हैं, तो और इतना प्रार्थना से ठीक हो रहा है तो फिर एक दो का हम लोग हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसके बाद वो ठीक होके हमारे सामने में बता देना, उसके बाद हम लोग परमिशन दे देंगे। तो अभी जो आ रहे हैं उनका नाम आप जानते हैं? जी हाँ, कौन आ रहे हैं? विजेंद्र सिंह है। ये कौन है? ये जलंधर के हैं, और पूरे जलंधर में 90% इन्होंने धर्मांतरित कर दिया है, ये महिलाओं के साथ में इनके ऊपर में आरोप है, इनके ऊपर में रेप का केस है, इनके ऊपर में धमकी का केस है, ये पैसा वसूली का है, इनके ऊपर में अन्य बहुत सारे केस लगे हुए हैं, और ये पूरे पंजाब में अब सिख भाई लोग भी जागरूक हो गए हैं वहाँ कि इनको हम नहीं आने देंगे छत्तीसगढ़ में, ये सिख समाज भी भाई लोग आ चुके हैं कि ये आदमी सिख हो करके अपना नाम रख लिया है और यीशु का प्रचार कर रहा है, तो उन्हों इसलिए बहुत अच्छे से जानती हूँ, और ये भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि जलंधर और अमृतसर मेरा हमेशा जाना होता है। धन्यवाद। वो करने चाहते हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है, बड़ा है, अरे महादेव से बड़ा कोई है क्या, सनातन धर्म से बड़ा कोई है क्या? लेकिन ये कि ये क्रिश्चियन है, वहाँ पर आपको 99% लोग हिंदू मिलेंगे आपको, ये सत्य है, इसको शासन और प्रशासन को स्वीकारना पड़ेगा। वहाँ पर जाएंगे तो किसी को छूते हैं तो करंट लगता है, वो गिर जाता है, उसके बाद जो गुंगा है वो बोलने लग जाता है, इस प्रकार की भ्रांतियाँ आप हमारे आरोप है, इनके ऊपर में रेप का केस है, इनके ऊपर में धमकी का केस है, ये पैसा वसूली का है, इनके ऊपर में अन्य बहुत कहा जा रहा है कि उनके छूने से ही किसी का जो रोग है वो बाहर निकल आता है। अरे ये स्क्रिप्टेड रहता है, आप यूट्यूब में जाकर देखिए, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे उसके नमूने। हमने सिख समाज ग्रुप में बहुत रोष दिखाया और कलेक्टर महोदया जी से अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम की अनुमति ना दी जाए सिर्फ भिलाई जिले की प्लस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज, और हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे साथ जो धर्म की रक्षा करने वाले जो भगवाधारी लोग हैं आज यहाँ पर विराजमान हैं, और ये वो परिचर्चा है जो पूरे देश में एक मंथन के रूप में चल रहा है।
जी हम बात करने जा रहे हैं कि जिस तरह से चंगाई सभा मिशनरियों का होने वाला है, जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के साथ हिंदू का जो वहाँ पर सभा में आना होगा उस पर रोक लगाने के लिए लगातार आवेदन और जो है रोकथाम भगवाधारियों के द्वारा किया जा रहा है, तो उस पर क्यों इन लोग उस सभा के खिलाफ है, क्यों ये सभा में चंगाई सभा नहीं होने देना चाह रहे हैं, ये सारी बातों तमाम मुद्दों पर जो है हम बात करने चाहते हैं। हमारे साथ रतन यादव जी हैं, हमारे साथ गौतम जी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रवि निगम जी मौजूद है, चंद्र राजपूत जी मौजूद, और सबसे खतरनाक भूमिका में जो देखा जाता है ज्योति शर्मा जी, जिनके नाम से ही जो है मिशनरियों के द्वारा ना जाने किस तरह से उसके बारे में बात किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं उस चंगाई सभा में होने वाली बातों पर कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है और क्यों ये चंगाई सभा नहीं होगी। चंगाई सभा, अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं, यहाँ पर रवि निगम जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। युवा हैं, काफ़ी नाम है उनका, और रवि निगम जिस तरह से दहाड़ के जो चलते हैं, हिंदुत्व का जो ध्वजा उठाकर चलते हैं, और इनके तो कारनामे आपने कई बार सुने होंगे, जिस तरह से भगवा के लिए लड़ाई इनके जो देखने को मिलता है, इनसे भी बात करते हैं। जी रवि निगम जी, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, उसमें आपको किस तरह का परेशानी है? बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से परिवार है जिनके बहु और बेटे अलग हो गए हैं, तलाक हो गया, सिर्फ इस चर्च में जाने के चक्कर। क्षमा करने वाला परमेश्वर है हमारा। संजय इस वीडियो में देखिया, पर मैं इस वीडियो दे विच होर कोई गल नहीं करना चाहती, पर एक गल मैं एंड ते जिहड़े तुसीं हुण इस वीडियो दे विच सुनिया कि चर्च जाण दे नाल वी मतलब उहनां दे तलाक हो गया, तुसीं इस चीज नूं किद्दां कह सकदे? तलाक तो होर भी जगह ते बहुत सारे हुंदे हैगे, कले मसीह लोग जो होंगे, मसीह लोग मिलाउंदे आ। परमेश्वर का वचन कहता कि मतलब कि व्यभिचार नहीं करना, यहोजे रोग नहीं करते, वह भी जेडे है ना मसीह लोग जो व्यभिचारी आ, जो कोई भी गलत काम करता वह वचन दे राही उन्होंने समझाते, फिर पति पत्नी का मेल करवाउंदे ता जो कि उनका डर पाउंदे परमेश्वर का कि जे तू इदा करूंगा तू करन तो करी जाऊंगा, लेकिन एदी सजा तेरे बच्चों दे तेरे परिवार ते आनी आ, ते इस करके वह बंदा तौबा कर जांदा वा, सुधर जांदा हैगा। तुसीं इस तरीके नाल किदा कह सकदे आ कि मेरी वजह नाल तलाक हुंदे आ? कदे अज तक तुसीं देखे ही आ? हो सकदा वह इस करके उन्हां दे घरे लड़ाई होवे, एक जना कहिंदा मसीह च जाणा, दूसरा कहिंदा मैं मसीह च नहीं जाणा हैगा। इहदे विच वी इही आ कि जे कोई मसीह नहीं जाना चाहता, नहीं आना चाहता, चलो ठीक है ना आवे, ठीक है ना, पर मैं यही कहनी जे भैन मसीह दे विच हैगियां तां अपने पति दे लई घरे बैठ के तुसी प्रार्थना करो तां जो कि तुहाडे बंधन टुट जाण, तुहाडे परमेश्वर नूं महिमा मिले तुहाडे द्वारा। वो आप बंदा कहे कि मेरे ना कोई जबरदस्ती नहीं हो रही, और जे कोई विश्वासी जिहदा पति नहीं हैगा उहदे लई तुसी प्रार्थना दुआ करो, अपने बाइबल दे वचनां पढ़ो, क्योंकि तुहानू तो पूरा विश्वास हैगा कि ते मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदी। तुसीं भी मैं बस यही मैसेज देना चाहुंदी हां इस वीडियो दे थ्रू कि जिहड़े तलाक हुंदे कदी भी मसीह दे विच हो नहीं सकदे, कदी भी नहीं हुंदे मसीह दे विच तलाक, परमेश्वर दा वचन मिलाउण वाला। अगर तुसीं मसीह दे विच मतलब कि तुहाडा पति विश्वासी नहीं हैगा, जां पत्नी विश्वास नहीं करदी, जे तुहाडा परिवार च कोई विश्वास नहीं करता, तुहाडा ही विश्वास परमेश्वर दा कहिंदा इक राई दे दाणे जिन्ना जे तुहाडा विश्वास जो तुसीं परमेश्वर कोलों मंगो तुहाडे लई हो जाऊगा, और तुसीं घुटने टेक के परमेश्वर अगे दुआ प्रार्थना करनी शुरू कर दो, वह तुहानू जरूर उत्तर देवेगा। उहदे विच कीती हुई दुआ प्रार्थना समां गुजारा है कदे भी व्यर्थ नहीं जांदा, कदे भी नहीं जांदा हैगा। तुहाडा परमेश्वर तुहानू जोड़न वाला परमेश्वर आ, और तोड़न वाला परमेश्वर नहीं हैगा। इन्नी अच्छी शिक्षा सानू किते भी नहीं मिल सकदी जी, इस करके सारे ही प्रभु यीशु नूं उसके कलाम नूं बहुत ही प्यार करदे आ। परमेश्वर का इस कलाम के द्वारा परमेश्वर तुहानू होर भी बरकत आशीष देवे, परमेश्वर दे विच वधदे जाओ तुसी, और तुहाडे परिवार वधदे जाण, बच्चे वधदे जाण, परमेश्वर नूं सारा आदर और महिमा उसे मिले। और मेरे वल्लों सारे जय मसीह की, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आमीन, हालेलुया।